हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी आज हाजिर हूं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के। मैं आपको आज बताऊंगा डायरेक्ट कंपनीज में किस तरह से अप्लाई करना है। देखो, बहुत सारे मेरे भाई बहन दोस्त, कितने सारे कंसल्टेंट्स को पैसे दे आते हो और उसके बावजूद जॉब भी नहीं लगती है आपकी, और जॉब लगती भी है तो ऐसी जगह पर जहां पर आप करना ही नहीं चाहते। बनना क्या चाहते हो, बना क्या दिए जाते हो। बहुत सारी कंपनीज यहां तक भी कहती हैं कि हम किसी कंसल्टेंट से टाइप नहीं रखते हैं, आपको अप्लाई करना है तो डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे आकर के अप्लाई कीजिए। पर हम सुधरने वाले हैं ही नहीं, हम तो किसी को पैसे देंगे तभी नौकरी लगेगी, और बाद में पता लगता है जब हमारा नुकसान हो जाता है, हमारे पैसे खराब हो जाते हैं, जैसी जॉब चाहते थे वैसी जॉब मिली ही नहीं है हमें। और यहां तक कि मैं ये वीडियोस बनाता हूं डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए बनाता हूं, रिसर्च करता हूं कहां पर कैसे अप्लाई किया जाए। उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको भटकाते हैं। वो कैसे भटकाते हैं, वो आपको ये कहते हैं कि मैंने भी 5 कंपनीज में अप्लाई किया था, तू भी मत कर, मेरे को कोई फोन नहीं आया, तू भी मत कर। हम उसकी बातों में आ जाते हैं और अप्लाई करना ही बंद कर देते हैं। सोचिए, अगर दिन में 10 कंपनीज में आप ऑनलाइन अप्लाई कर भी देते हो तो आपका लगता है कुछ, कोई पैसा लगा नहीं, नॉलेज बढ़ी, ज्ञान बढ़ा, कंपनी का नाम पता लगा, उस कंपनी के बारे में पता लगा। उसके बाद अप्लाई करने में लगता ही क्या है, 5 मिनट 10 मिनट लगा भी देते हो अपने लिए, अगर 1 घंटा 10 जॉब्स अप्लाई कर भी देते हो तो क्या दिक्कत है। किसी अच्छी कंपनी से आपको कॉल आ जाएगी, कोई ईमेल आ जाएगी, आप ही का फायदा होगा। मेरा मानना यह है कि डायरेक्ट अप्लाई करना सीखिए, किसी के चक्करों में प्लीज मत फंसिए, अपना पैसा मत खराब कीजिए। आप शक्तिशाली हो, अपने आप को शक्तिशाली कहो, समझे। और प्लीज जैसे जैसे तरीके से मैं आपको बताता हूं वैसे वैसे तरीके से अप्लाई कर दिया करो। इन केस कोई प्रॉब्लम आती है कि फॉर्म भरने में आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके हर सवाल का प्रॉपर जवाब देने की, ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आ जाती है, अप्लाई नहीं कर पाते हो, आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछिए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कैसे अप्लाई करना है। और एक दूसरी चीज, मैं आपको इस कंपनी के बारे में तो बता ही रहा हूं कि डायरेक्ट अप्लाई कैसे करना है, इसके अलावा कुछ ऐसी जॉब्स भी होती हैं जिनकी जिनमें सिर्फ मैं ईमेल आईडीज डालता हूं, अप्लाई नहीं करने की ऑप्शन होती है। उन जॉब्स के बारे में अगर आप पता करना चाहते हैं तो आपको मेरे टेलीग्राम नंबर 9888330067 पे अपना बायोडाटा शेयर करना है। जब आप शेयर करेंगे तो मेरी तरफ से आपको एक लिंक आएगा, उस लिंक को ज्वाइन कीजिएगा। उसमें आपको और भी आपके एरियाज की भी, ऑल ओवर इंडिया की भी वैकेंसीज दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी, आप उनमें भी अपना रिज्यूम शेयर कर सकते हैं। पहले मैं फोन नंबर डालता था उन कंपनीज के, बट अब मैं कंपनीज के फोन नंबर नहीं डालता हूं, क्योंकि बहुत सारा यूथ कनेक्टेड है, जिस कारण किसी कंपनी का फोन नंबर हम डालते थे तो होता क्या था कि किसी को जॉब पंजाब में चाहिए होती थी और अप्लाई बेंगलोर से कर रहा होता था, तो वो कहीं ना कहीं सूटेबल नहीं होता था, जिस कारण सामने जो कंपनी वाले थे, एम्प्लॉयर थे, वो इरिटेट हो जाते थे। इसीलिए अब मैंने ईमेल ही डालनी शुरू कर दी है, ताकि आप सारे के सारे ईमेल करें अपना रिज्यूम, अच्छा सा अपना रिज्यूम बना के रख लो, अच्छा सा अपना कवर लेटर बना के रख लो, अप्लाई करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है, मैं बैठा हूं, मेरे से पूछो, इज इट। बट प्लीज इस तरह से पैसे खराब करना बंद कर दो, किसी की बातों में आना बंद कर दो। कोई कहता है डायरेक्ट अप्लाई करने से जॉब नहीं मिलती है, उस टाइम अपना कान, अपनी आंखें, ये सब बंद कर दो, मत सुनो उसको, अपने आप पे फोकस करो और अप्लाई करो। पक्का आपको आज नहीं कल किसी और कंपनी से, किसी ना किसी कंपनी से जरूर कॉल आएगी, जरूर ईमेल आएगी, समझे। तो
आज की जो भी डायरेक्ट जॉब है किस तरह से कैसे अप्लाई करनी है मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा, उसके लिए मैं ले चलता हूं आपको अपनी स्क्रीन पर। तो ये रही। तो गाइस अब आप आ चुके हैं मेरे लैपटॉप की मेन स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको बताऊंगा इस कंपनी में जॉब के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। मैंने सर्च बार में जाकर के कंपनी का नेम लिखा है, आप सामने देख रहे हैं। ये लिखने के बाद बहुत सारे आपके पास लिंक आ जाएंगे, देखिए इधर उधर क्लिक मत कीजिएगा, बेटर यही है जो लिंक मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पर ही जाकर के हम क्लिक करेंगे। अब ये ऊपर ऊपर एक लिंक है, आप इस लिंक पर जाकर के क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपके सामने ये कंपनी की प्रॉपर एक वेबसाइट खुल करके आ जाएगी। अब इसमें क्या है, मान लेते हैं आपको कोई जॉब सूटेबल है, यहाँ पर करियर्स की ऑप्शन है, करियर्स पर जाकर के क्लिक करें। अब इसमें क्या है, हमने जो जॉब के लिए सिलेक्ट करना है, यहाँ करंट वैकेंसी में हमारे पास आ रहा है सेल्स एसोसिएट, सीनियर ज्वेलरी डिज़ाइनर। अब इनमें से कुछ भी है, कोई भी जॉब आपके लिए सूटेबल है तो यहाँ पर जाकर के क्लिक कर दें। अब क्लिक करने के बाद क्या होगा, सेल्स एसोसिएट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। डिज़ायर्ड स्किल्स जो कंपनी मांग रही है वो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर अब आपको लगे कि सूटेबल जॉब है तो आपका नेम, आपका लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, करंट सीटीसी एनुअली आपका क्या है और एक्सपेक्टेड सीटीसी एनुअली आपका क्या है, टोटल रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन ईयर्स आपके पास क्या है और नोटिस पीरियड कितनी देर का आप दोगे, 15 डेज का या 30 डेज का या मोर देन वन मंथ का, ठीक है। ये डाल के आप यहाँ पर अपना सीवी जो है अटैच भी कर सकते हैं और अप्लाई पर जा करके क्लिक करेंगे तो आपकी सारी की सारी प्रोफाइल कंपनी में डायरेक्ट पहुँच जाएगी। जब भी कंपनी को लगेगा कि आप एक सूटेबल कैंडिडेट हो तो डेफिनेटली आपके साथ संपर्क किया जाएगा और आपकी इंटरव्यू भी कंडक्ट की जाएगी। तो ये थी जी आज की वैकेंसी, किस तरह से कैसे अप्लाई करना है। उठाइए अपना लैपटॉप और तरीके से अप्लाई करते चले जाइए। कहीं पर नहीं समझ आया, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स है, पूछिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा, मेरी कोशिश रहेगी। अच्छी तरीके से अप्लाई करिए, पॉजिटिविटी से अप्लाई करिए, परेशान होकर अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि पॉजिटिविटी से अप्लाई करोगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा। करके देखिए, शांति से करके देखिए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बड़ी हंसी से, हैप्पीनेस से, अकेले बैठ के कोई लाइट सा म्यूजिक चला लीजिए, मेडिटेशन चला दीजिए और अप्लाई कीजिए, देखो कितना मजा आता है अप्लाई करने में। इज इट, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।